हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम जीव विज्ञान जो लुसेंट में दिया गया है तो उसका एमसीक्यू फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा पहला एक्सरसाइज है वनस्पति और उसकी शाखाएं। तो मैंने संविधान का, फिजिक्स केमिस्ट्री और अन्य सभी जो सब्जेक्ट हैं आपके, मैं सबका लुसेंट का अपलोड कर दिया हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, लेमार्क और ट्रीवेरनस। लेमार्क और ट्रीवेरनस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर है, जीव विज्ञान के जनक मीन्स फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो है अरस्तु। अगर आप इंग्लिश में इसको देखोगे तो अरस्तु को एरिस्टोटल लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक ना, अरस्तु। फिर है, जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो जूलॉजी का भी जनक क्या है, अरस्तु है। विज्ञान का भी जनक मीन्स जीव विज्ञान का, और जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है, अरस्तु है। लेकिन अगर बात करें हम बोटनी की मीन्स वनस्पति विज्ञान की, तो उसके कौन है, थियोफ्रेस्टस। ये बहुत बार पूछा जाता है, कौन है वनस्पति विज्ञान के, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस। फिर है, बॉटनी मीन्स बायोलॉजी, सॉरी यहाँ पे बॉटनी गलती कर दिया है, बॉटनी का देना था वनस्पति विज्ञान, ठीक। तो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो बॉटनी की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, ग्रीक। फिर है, हिस्टोरिया प्लांट्रियम पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो कौन है, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है, हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक, अरस्तु। फिर है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, मीन्स जो चिकित्सा शास्त्र के फादर होंगे उसी का शपथ दिलाया जाएगा, तो हिप्पोक्रेटस, डी। फिर है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। फिर है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ये। फाइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं शैवाल का अध्ययन करते हैं हम फाइकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो किया जाता है परिस्थितिकी के अंतर्गत हम करते हैं जीव विज्ञान पर्यावरण का अध्ययन। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, मीन्स आपको ऐसे भी आएगा, स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। फिर है, डेंड्रोलॉजी इसका संबंध किससे है, तो किससे संबंध है, झाड़ियों से संबंधित है, झाड़ियाँ। ड्रोलॉजी का संबंध किससे है, डेंड्रोलॉजी का झाड़ियों से संबंधित है। फिर है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान में मीन्स उसका हम किस में अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं हम वनस्पति विज्ञान के जीवाश्म क्षेत्र में, ठीक ना, नाम से क्लियर है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। फिर अब वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर में मेनली जैसे कोई भी प्लांट होगा, क्रीपर्स जो भी होते हैं तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। फिर है, जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं परिस्थितिकी, पहले पढ़ चुके हैं ये। फिर अब वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ये भी पढ़े हैं, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है, वन के विकास का, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वन के विकास का, सिल्वीकल्चर। फिर है, स्पर्मोलॉजी से किसका अध्ययन होता है, स्पर्मोलॉजी से हम अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं, बीज का, सीड्स। फिर है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है
तो एग्रो में किसका होगा, फसल का अध्ययन करते हैं। फिर है पोडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो उसमें करते हैं भूमि का, पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन करते हैं। फिर है अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं अनुवांशिकी। अच्छा, अनुवांशिकी का फादर किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं वर्गीकी, वर्गीकी। ये पूरा एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, एक लेसन है पूरा ये, सॉरी। नेक्स्ट है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, पोमोलॉजी। परागकणों, परागकणों मीन्स पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी। पराग ये होता है, जैसे कि मान लो कोई एक फ्लावर है, उससे कोई मीन्स तितली इसका रस चूस के दूसरे में ले जाती है और उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। इस टाइप के बहुत बार देखे होंगे कि रेड कलर का कोई फ्लावर का पौधा है, उसमें येलो कलर का फ्लावर आ गया, तो उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, मीन्स पराग का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो उसी का अध्ययन क्या कहा जाता है, पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट है संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है, मीन्स डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप का प्लांट होता है, तो उसका जो अध्ययन करेगा उसको हम क्या कहते हैं, फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी। नेक्स्ट है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, साग सब्जी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, ऑलरेडी कल्चर, ऑलरेडी कल्चर। नेक्स्ट है वार्षिक बलाय या एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अच्छा, ये क्यों यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट मीन्स पेड़ का आयु ज्ञात करने के लिए हम एनुअल रिंग का प्रयोग करते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे आएगा, या तो ये पूछ सकता है कि एनुअल रिंग का उपयोग हम किसमें करते हैं, तो पेड़ों की आयु गणना करने में। दूसरा ये भी आएगा कि पेड़ की आयु किसमें गणना की जाती है, आपको ऑप्शन ऐसे रहेगा कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या फिर एनुअल रिंग, ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप एनुअल रिंग पर टिक लगाओगे। फिर सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या कहलाता है, आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। फिर है पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधे के आंतरिक संरचना होगा तो उसे हम शारीरिकी ही कहेंगे, शारीरिकी। फिर है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम करते हैं कवक का, वही फाइकोलॉजी में शैवाल का। नेक्स्ट है एग्रोफॉरेस्ट्री है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, तो उसमें कृषि के साथ साथ भूमि पर कास्टिक बारहमासी वृक्ष लगाना, कास्टिक मतलब होता है साइड में, बारहमासी वृक्ष लगाना। फिर है इक्सो बायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है, तो इक्सो नाम से ही आप क्लियर कर सकते हो, बाह्य ग्रहों एवं अंतरिक्ष में जीवन का। इक्सो मीन्स बायो, मीन्स बायोस्फीयर जो है हमारी धरती का, उससे ऊपर के बारे में करेंगे अध्ययन, तो हम क्या कहलाएगा, इक्सो बायोलॉजी मीन्स बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन के बारे में। फिर है जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, और आंसर सी हो जाएगा। तो इस मीन्स वीडियो में मैंने 36 क्वेश्चन कवर किया, और इतना ही मीन्स प्रश्न थे इसमें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, ताकि हम और इम्प्रूव कर सके, या कुछ सजेशन देना चाहते हो वो भी मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो उससे पहले आपको लूसेंट पूरा कवर करना जरूरी है, क्योंकि ये एक बेस बनता है आपका। अच्छा, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।